इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बार फिर से मिस्र की राजधानी कायरो में युद्ध रोकने के लिए कवायद तेज हो गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत के लिए शिनबेत के मुखिया को मिस्र भेजा है। वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुखिया भी मिस्र जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपने एक बयान में साफ कर दिया है कि गाजा में युद्ध विराम हो या ना हो, लेकिन उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला के साथ लड़ाई जारी रहेगी। योव गैलेंट का कहना है कि अगर गाजा के भीतर युद्ध विराम हो भी जाता है तो भी इजरायली सेना हिजबुल्ला से लड़ती रहेगी। गैलेंट के इस बयान के बीच हिजबुल्ला ने इजरायल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरी इजरायल के ऊपर 7 जुलाई 2024 को 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, जिसकी वजह से करीब 2.5 लाख सेटलर्स को सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों की वजह से कब्जे वाले कई इलाकों में लगातार हवाई सायरन बजते रहे। वहीं न्यूज एजेंसी एक्सियस का कहना है कि इस हमले में अमेरिका का एक नागरिक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। न्यूज एजेंसी ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह खबर दी है। एजेंसी के मुताबिक ये अमेरिकी नागरिक लेबनानी फिलिस्तीन बॉर्डर के करीब था, जहां पर इजरायल की एक सैन्य चौकी थी और इसी पोस्ट पर हिजबुल्ला ने एक एंटी टैंक मिसाइल दागी, जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिक आ गया। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं हुई है कि युद्ध प्रभावित इलाके में ये अमेरिकी नागरिक आखिर कर क्या रहा था। इसको लेकर इजरायली न्यूज चैनल 12 के मुताबिक हिजबुल्ला ने दोपहर करीब 2 बजे एक एंटी टैंक मिसाइल जारेद बेस पर दागी थी, जिसकी चपेट में ये अमेरिकी नागरिक आ गया था। इसके अलावा इस हमले में 3 और लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 जुलाई को हिजबुल्ला ने करीब 9 हमले किए। उसने अल रहब साइट और निमरा बेस पर एक हमला किया। यहां पर हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों पर कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा सुबह 11:50 पर अल बगदादी साइट पर हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट दागे गए। इसके साथ ही माउंट जरमाक में मैरन बेस पर भी हिजबुल्ला ने कई कत्यूशा रॉकेट से कहर बरपाया है। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में IDF के एयर सर्वेलांस और एयर ऑपरेशन मैनेजमेंट यूनिट तबाह हो गई है, और इस हमले के तुरंत बाद हिजबुल्ला ने बिरकत रिशा साइट पर इजरायली सैनिकों की पहले तो निगरानी की और फिर उसके बाद उनके ऊपर कई गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में IDF के कई जवान या तो घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो गई। और इस हमले के बाद दोपहर को हिजबुल्ला ने बयात बलिदा साइट पर भी धड़ाधड़ कई रॉकेट दागे हैं, और इस हमले के साथ ही आइलत बैरिक्स पर IDF की नई गठित की गई 91वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को भी हिजबुल्ला ने उड़ा दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने लिमन सैन्य अड्डे पर भी एक बार में कत्यूशा रॉकेट्स का पूरा जत्था फायर किया है, और इस अटैक के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने कब्जे वाले सीरियन गोलन में माउंट हरमन पर भी लंबी दूरी के ड्रोन से हमले किए। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में IDF के कई जासूसी उपकरण तबाह हो गए हैं।